पेड़ों के पीछे छुपकर विशाखा और चित्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण की मेरे प्यारे की इस लीला को देख रही थी और देखते हुए कहने लगी, हे भगवान, हमें नहीं मालूम था कन्हैया इतनो प्रेम करे। अरे ये तो मर जाएगा रोते रोते, चलो राधा रानी से अपनी प्राण प्रिया से मिलवा दें, उन प्राण प्रिया के प्राण ही इस प्यारे के प्राण है। महाराज विशाखा गई, विशाखा ने जाके उनसे कहा, हे प्रियतम, तुम राधे से मिलना चाहती हो ना, हमको मालूम है किस कुंज में गई है राधे, आओ चलो, आओ चलो, हम लेके चलते हैं तुम्हें। कन्हैया में जैसे जान आ गई हो। कन्हैया बोला, हाँ हाँ चलो 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 चलो, इनका प्रतिबिंब इतना सुंदर दिखता है, वह कितनी सुंदर होंगी और उनकी सुंदरता की महिमा तो मैंने अभी दो सखियों से सुनी है। उनकी इन प्रतिबिंब का दर्शन करते ही जब मेरे शरीर में अष्ट विकार रोमांच आदि सब आ गए, जिससे मेरे आनंद अश्रु बहने लगे, मैं उन राधे के दर्शन करना चाहता हूं जिनके कर पल्लवों से, कर कमलों से इन सब लता पताओं, इन पुष्पों को भी प्राण मिल गए हों, जिनके अंदर इतना महासौरभ रस आ चुका हो, सिंचन हो चुका हो, वात्सल्य रस मूर्ति ने जब इतना वात्सल्य, इतना अनुराग इनके अंदर भर दिया है, हम इनके प्राण प्रिया उन राधा की दर्शन करना चाहते हैं, ले चलो हमको। विशाखा चित्रा ने लिया, चलो कुंज से जैसे ही निकले, निकलते ही श्री राधा रानी के चरणों में लगे हुए कुमकुम, चंदन कुमकुम आदि से जो पद चिन्ह है उस मधुर स्थली में बन चुके थे, ये भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही इसका दर्शन करा और दर्शन करते ही भगवान श्री कृष्ण वहीं रो पड़े। भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्री राधा रानी का वह चरण चिन्ह है, राधा रानी के चरण चिन्ह के पास बैठ गए, चरण चिन्ह के पास बैठकर उसे बार बार अपने ओष्ठों से चुंबन दे रहे हैं, चुंबन देते हुए, आह यह राधा रानी के चरण है, यह श्रृंगारित चरण जिसमें 19 यहाँ महाराज उनके 19 अलंकार बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं। अरे तभी इतना ताप था, इतना सूर्य का ताप था, सोचने लगे, अरे मेरी राधा रानी के यह कोमल चरण तो जल जाएंगे, अपने मोर मुकुट से राधा रानी के चरणों में चरणों को छाव दी और छाव देने के बाद सोचने लगे, इतनी देर से जो धूप पड़ रही है उस धूप से राधा रानी के चरण गर्म हो गए होंगे, कैसे शांत करूं, कैसे शांत करूं। तभी आंखों से महाराज आनंदाश्रु बहने लगे और उन आनंदाश्रुओं से ही श्री राधा रानी के उन चरण कमल चिन्ह को ही भगवान श्री कृष्ण अपने आंसुओं से अभिषेक देते हुए अर्घ दे रहे हैं। कभी चूम रहे हैं, कभी अभिषेक कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं। दर्पण उठा लिया महाराज, अपना पीतांबर लिया, पहले पीतांबर से हवा कर रहे हैं, तपिश मिट जाए जो आपको इस सूर्य दे रहा है। उसके बाद देखो यह कला है कि अपने ही पीतांबर को ऐसे अंद
इस वसुंधरा की माटी ब्रज रज के अंदर डाला कि ब्रज रज जैसे उन वह जो चरण चिन्ह थे उसके नीचे एक आसन लग गया, और आसन लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण बार बार दंडवत कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। नतमस्तक होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पे दर्पण ले लिया और दर्पण लेके लेट गए चरण चिन्ह के पास, और ऊपर करके चरण चिन्ह को देख रहे हैं, और चरण चिन्ह के दर्शन करते करते आरसी से उस दर्पण से उस शीशे से दर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। राधा पदांक मधुर स्थली के, एक एक पद के अंदर पूरी लीलाएं हैं, एक एक पद के अंदर। ये वांगमय मूर्ति ऐसे थोड़ा ही है, यह प्रेम। राधा रानी ने अपने चरणों को एक बार देखा था पूरी लीला में, कन्हैया तो हमेशा देख तो रहे, जैसे सोल राधा रस सुधा निधि के सोलवें के अंदर श्लोक के अंदर आया है, पदांगुली निहित दृष्टिम पत्र पिष्णु, कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं अपनी आंख को नीचे करके श्री राधा रानी के चरणों के जो नाखून हैं उनके दर्शन करते रहते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की आंखें कहाँ रहती हैं? उनके चरणों पे नीचे राधा रानी की। अब इसके दो भाव कई आचार्यों ने लिए हैं, कई आचार्यों ने इस भाव को लिया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की तरफ देखते रहते हैं, कई आचार्यों ने भाव यह लिया है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की तरफ देखते रहते हैं। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे थे तब सीता जी अपने चरणों की तरफ देख रही थी, राधा रानी ने भी अपने चरणों को एक ही बार देखा है। गोवर्धन की लीला है रही, प्रथम दिन है गयो, प्रथम दिन हैने के बाद दूसरे दिन सब ब्रजवासी आ गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा से बोले, ए तेरो छोरा भगवान है का, छोटो सो पेंदनी सो है सो उठा के रख दियो वाने। नंद बाबा ने गर्गाचार्य ने जो पूरी जन्मपत्री बनवाई लेके खोल के पटक दीनी है, देख लो। गर्गाचार्य ने कहिए जे भगवान ना है, नारायण के जैसे गुण जाके अंदर विद्यमान है। भागवत के अंदर जब नामकरण संस्कार भयो तो ना बोले ना, जाके अंदर नारायण के गुण भी विद्यमान है। भगवान ना है ये वात्सल्य, भगवान नहीं मानते हैं। नंद बाबा यशोदा ये भगवान नहीं मानते हैं, ये माधुर्य ऐश्वर्य है, ये वृंदा। देखो चार तरीके की लीलाएं हैं, चार तरीके की लीलाएं याद रखना इसे, एक ऐश्वर्य लीला, एक ऐश्वर्य माधुर्य लीला, एक माधुर्य ऐश्वर्य लीला और एक माधुर्य लीला। ऐश्वर्य लीला भगवान द्वारकाधीश, द्वारका के अंदर ऐश्वर्य है, राजा बने हुए हैं, सब ऐश्वर्य में काम चल रहा है, सब उनकी दास दासियां हैं, सब उनका कहना मान रहे हैं, ऐश्वर्य का भाव है वहां पे। ऐश्वर्य माधुर्य ये वसुदेव देवकी का भाव है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनकी लाला की स्तुति ना करी, भगवान की स्तुति करी। भगवान पहले प्रकट हुए ना चतुर्भुजधारी उस जेल के अंदर, चतुर्भुजधारी कारावास के अंदर उनका प्राकट्य हुआ। वो तो हाथ जोड़ के कहना पड़ो भैया बच्चा बन जाओ,
तब बाद में बच्चा बना। तो ऐश्वर्य पहले है, तो वसुदेव ने ऐश्वर्य देखा, देवकी ने ऐश्वर्य देखा, बाद में बाल भाव। ये भगवान हमारा बालक है, यह भाव था। तो भगवान पहले था, बच्चा बाद में है। तीसरा भाव माधुर्य ऐश्वर्य, ये नंद बाबा यशोदा का भाव है। ये हमारा बच्चा है, हाँ ये कहीं को भगवान भी है। माधुर्य पहले है, होगो कहीं को। चौथो भाव जो है वह वृंदावन पहुंच, पहला भाव द्वारका पहुंचाएगा, दूसरा भाव मथुरा पहुंचाएगा, तीसरा वाला भाव गोकुल पहुंचाएगा, चौथा वाला जो माधुर्य है, अरे होएगो कहीं को, ये तो नंद को छोरा है, यहां आ जा। देखो कन्हैया ने पूरी लीला के अंदर मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, एक पूरी गीता पढ़ दी नहीं, किसी को कुछ मत मानो बस मेरी पूजा करो, अपना स्वामित्व दिखायो। गोपियन के सामने जब आ जातो और गोपियन से कहतो ये हम भगवान है हमारी पूजा करो, भगवान को भगवान ही ना है मानो, कन्हैया को कन्हैया ना है बोलती, नंद के लाला बोलती, तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तू कछु ना है, तू तो नंद बाबा को छोरा है जई वजह से तुझे जाने हम, यानी कि बाकी नाक काट दी जाती। अगर किसी आदमी को नाम आनंद होए और बाकी पिता को नाम समझ लो अनूप होए और तुम बात छोरा से कहो ए अनूप के इधर आइयो, गाली है, कह के तो देखो आप, बोले तमीज से बात कर, हमारे पिताजी का नाम ऐसे लेता है, और तुम यहां का कहो नंद के लाला की, अरे भगवान गाली दे रहे हो। बिन मांगे दियो ना जाई, जब मांगत गारी खाई। जब जब गोपियन के पास पहुंचे, दे देगी कछु, दे देगी माखन, दे देगी दही पिला देगी, मारा तो दियो ना जाई, हाँ बिन मांगत दियो ना जाई, जब मांगो गारी खाई। ए नंद के तू हमसे लेवेगा घर जा, ये माधुर्य है, यहां ऐश्वर्य भाव नहीं है, ऐश्वर्य शून्यता है उनके अंदर, पर ऐश्वर्य शून्यता है। तो यहां चार भाव चलते हैं। आपको वृंदावन चाहिए, आपको श्री बरसाना धाम के अंदर विराजी हुई श्री राधा के संग वह कृष्ण चाहिए, तो वह माधुर्य भाव में प्राप्त होंगे। उस माधुर्य भाव में भी यहां किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है, यहां गोपी रूप में ही आ सकते हो। चार कन्हैया, नंद बाबा ने कहे बोलो ए नारायण की जैसे गुणे जामे, तो नारायण तो पूरे संसार ने उठा के रखे, तो मेरे वाके जो नारायण के गुण मेरे लाला में, तो माने पहाड़ उठा दियो तो कौन सो बड़ो काम कर दियो। कछु दिना के बाद इंद्र आ गयो पूजा करने के ताई, नारद नंद बाबा महाराज भूल के कुप्पा है गए, ए बड़े बड़े देवता आवे हमारे छोरा के पैर पूजने के ताई, वरुण लोक में वरुण पास से बांध के नीचे रख लियो नंद बाबा को, कन्हैया छुड़ाने के ताई पहुंचो, बाबा की छाती चौड़ गई, बाबा ने देखो अरे बताओ वरुण देवता भी कर रो है नंद, अरे नंद बाबा आपको पुत्र तो भैया परम ब्रह्म है परमेश्वर है, हाथ जोड़ लिए, वरुण जी ने स्तुति करी है हाथ जोड़ जोड़ के, नंद बाबा आके दिखाते ए तुम सवन के छोरन में इतनी ताकत ना, देवता हमारे छोरा आके पूजे, देखो सौत दिन तक उठा के रखा है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठी है और देखो क्या लीला चल रही है, भगवान श्री कृष्ण के सामने राधा रानी बैठी है, भगवान श्री कृष्ण हाँ अभिनव जलधर सुंदर
धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अरे महाराज, अभिनव जलधर सुंदर भगवान श्री कृष्ण जिनकी नव घन श्याम जैसी मूर्ति वहां उस धृत मंदर उस पहाड़ को अपनी इस उंगली पर उठा के रखे हुए हैं, पर वह शक्ति कहां से आ रही है? श्रीमुख चंद्र चकोर, चकोर नाम का पक्षी जो महाराज श्री चंद्रमुखी जो राधा रानी है उनके मुख से उस शक्ति को खींच रहा है और उस पहाड़ को उठाए हुए है। और राधा रानी क्या कर रही है? अपने चरणों की तरफ देख रही है। क्यों देख रही थी? वह कृष्ण जिनके प्रेम की प्राप्ति, जिनके चरणों के अनुराग की प्राप्ति के लिए सभी भक्त भागते हैं कि कब कैसे भी करके चरणाश्रय प्राप्त हो जाए। अरे वह कृष्ण मेरे इन पैरों के पीछे पड़ा रहता है, मेरे इन पैरों का संवर्धन करने के लिए लीलाएं करता है, मेरे चरण का अनुरागी बना हुआ है, मेरे इन चरणों में ऐसा किया है, सोच में पड़ रही है। और यहाँ कन्हैया क्या कर रहा है? राधा पदांक मधुर स्थली के, वो तो महाराज दर्पण में ले लेके दर्शन कर रहा है, टसुआ बड़े बड़े बहा बहा के अभिषेक कर रहे हैं। राधा रानी के चरण है, ये राधा के चरण है, रोमांच हो गया है। ये कन्हैया है तो चरण इतने बढ़िया लगे कि कन्हैया ने तो भागवत समाप्त होते होते बटके बटके एक पत्ता पे हाँ खुद आ गए हो गोपाल रूप में और अपना अंगूठा ही लेकर चूसने लगो। भागवत के अंदर आए हो ना, कैसो रूप है भगवान को, जब चतुर्युगी शांत है जाए वो बटके पत्ता पे लेटे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। कैसे रूप में है? गोपाल रूप में है। क्या कर रहे हैं? अपने पैर के अंगूठा को चूस रहे हैं। क्या देखने को? राधा रानी तो गायब में देखू तो सही, ये सब मेरे चरणाश्रय लेनो चाहे, चरण कमल बोले जामे मकरंद तो होगो, कछु तो मीठो मीठो तो होगो, जाइए चूस के देख लो। वही ना, बच्चा अपना अंगूठा चूसे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चा अपने अंगूठा चूसे, कन्हैया तो अपने पैर के अंगूठा को चूसे। राधा देखो, चरण को कमल कहा गया है। यहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के उस चरण चिन्हों को जब देख रहे हैं, उन चिन्हों को देखते हुए आचार्यों ने क्या कहा है मालूम है? यह चरण चिन्ह चरण कमल हैं और भगवान श्री कृष्ण की आंखें जो हैं वह भवरा के रूप में कभी इधर दर्शन कर रही हैं, कभी उधर मंडरा रही हैं। हाँ, भवरा रूपी आंखें हैं। कमल से मकरंद की प्राप्ति करने हेतु, मकरंद क्या है? यही प्रेम रस है। मकरंद भी प्रेम नहीं है, मकरंद प्रेम नहीं है। प्रेम के सिंधु के, प्रेम का सिंधु, उस सिंधु का सार जो है वह अनुराग, और उस अनुराग की एक बूंद जो होती है, उस अनुराग की जो एक बूंद है वह मकरंद की या राधा रानी के उस पैर से निकली हुई एक बूंद के समान है। प्रेम सिंधु का सार अनुराग, वह अनुराग ही मकरंद के रूप में श्री राधा रानी के पैरों से निकलता है और उसकी भी वहां उधर से अनंत अनुराग निकलता है। उसकी भी एक बूंद प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की अर्चना अभिषेक पूजा सब कर रहे हैं। श्री राधा पदांक मधुर स्थली के,
ये महाराज राधा रानी का के चरणों का प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा ही उनके पैरों पर रहते हैं। श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। ये चरण कमल कैसे हैं? श्री गोविंद के जीवन धन, हाँ, जीवन धनम सिरसा वहामि, हाँ, मैं गोविंद के जीवन धन जो है, कौन? श्री राधिका के चरण उनको प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। जीवन का धन यानी कि भगवान धनी कब होते हैं? जब उनके पास चरणों का धन प्राप्त हो जाता है। तो आज की भी इस लीला को हम श्री राधा रानी के चरणों में ही समर्पित करते हैं और राधा रानी से कहते हैं कि जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण को अपना चरण धन देकर धनी बना दिया, ठीक उसी प्रकार आप हम पर सब पर कृपा करिए और हमें भी उस धन की कुछ क्षणिक बूंद देके वह धनिक रसिक भक्त बना दीजिए कि हम भी आपकी कोई सहचरी, कोई अनुचरी और कोई किंकरी बनके उस दिव्य वृंदावन के अंदर आपकी आपका सेवा सौभाग्य प्राप्त कर सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम तेरा नाम रटू साँझ सवेरे, राधा रमन मेरे राधा रमन, हो राधा रमन मेरे राधा रमन। कभी बोलो ना तेरा नाम, कभी बोलो ना तेरा साँझ सवेरे, राधा रमन मेरे राधा रमन, राधा रमन मेरे राधा रमन, हो सभी बोलिए राधा रमन मेरे राधा रमन, हो राधा रमन मेरे राधा रमन। कभी भूलो ना तेरा नाम, कभी भूलो ना तेरा नाम, तेरा नाम रटूं साँझ सवेरे, राधा रमन मेरे राधा रमन, राधा रमन मेरे राधा रमन, हो सभी बोलिए रमन मेरे राधा रमन, हो राधा रमन मेरे राधा रमन, हो से
मन कुंडल दो चंचल नैन कटारे सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे मुख कमल पे मोरे बल केश लहराए कारे कारे मुख कमल पे मोरे बल केश लहराए कारे आधार मन मेरे राधा रमन हो राधा रमन मेरे राधा रमन हो राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन बोलिए राधा रमन मेरे राधा रमन सभी बोलेंगे हो राधा रमन मेरे राधा रमन हो हो राधा रमन मेरे राधा रमन हो हो राधा रमन मेरे राधा राधे राधे गोविंद